अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार जारी है, तो जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला ईरान ले रहा है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। तो यूएस सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले के बाद ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं और 80 सैनिकों की मौत हुई है। तो ईरान ने यह दावा किया है हमले का, अमेरिका पर हुए इस हमले का। तो तनातनी अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जारी है, और ऐसे में जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार, जहां ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमला हुआ है और इसमें 80 सैनिक जिनकी मौत हो गई है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया है, यूएस के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है, बदला लिया गया है जनरल सुलेमानी की मौत का, उनकी हत्या का बदला। और ऐसे में पहले से ही हालांकि ईरान ने चिता दिया था एक लाल झंडा लगाकर कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में अब एकाएक करके अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना ईरान बना रहा है। और फिलहाल ये जानकारी, जहां पर खुद ईरान ने दावा किया है अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए हमले का।